हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों को आरआरटीएस के दुहाई डिपो की अपडेट देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस साइड में है दुहाई का स्टेशन। आप लोगों को सन के रिफ्लेक्शन के कारण इतना अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा। और आगे ही साइड में देख सकते हो स्टेशन के, यहाँ पे ट्रैक्स को बिछाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स के ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट्स को लगाने का जो काम है वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। और यहाँ से अलग हो जाती है दोनों लाइनें। तो ये है मेन लाइन जो मुरादनगर की तरफ जाएगी और इस वाले वायडक्ट के ऊपर जो ट्रैक्स हैं वो जाएंगे दुहाई डिपो के अंदर। तो मेन लाइन के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे ट्रैक्स को बिछाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टाइम यहाँ पे ट्रैक्स को नहीं बिछाया गया था और इस बार देख सकते हो यहाँ पे ट्रैक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स को लगा के उनके ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट्स का जो काम है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और ईस्टर्न पेरिफेरल के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है उसके ऊपर भी ट्रैक्स को बिछा दिया गया है। और डिपो के लिए जो लाइन जा रही है इसके ऊपर भी ट्रैक्स को बिछा दिया गया है पूरी तरीके से। और ये जो डिपो की लाइन का एलिवेटेड सेक्शन है इसके ऊपर अभी इस साइड में ही ओवरहेड वायरिंग का काम हुआ है। अभी इस साइड में ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा। और सामने की साइड में आ गया डिपो। अब आगे की साइड में आने के बाद में इस एंगल से भी देख सकते हो यहाँ पे इस साइड में ओवरहेड वायरिंग का काम हो चुका है। अभी इस साइड में ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा। और एलिवेटेड सेक्शन के एंड होने के बाद में दोनों साइड में ओवरहेड वायरिंग का काम हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो डिपो की रोड होगी उसके ऊपर ब्लैक टॉप का काम चल रहा है। और ये आ जाता है दुहाई डिपो का स्टेशन। तो ये स्टेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको इस एंगल से पता नहीं चलेगा यहाँ पे ऑटोमेटेड स्क्रीन डोर्स को भी लगा दिया गया है। और आगे की साइड में ये काम चल रहा है फुट ओवर ब्रिज का। लास्ट टाइम की अपडेट यहाँ की ये थी। और स्टेशन से आगे की साइड में ट्रैक बिछाने का काम कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। और ये है एडमिन बिल्डिंग। यहाँ से आगे की साइड में भी काम कंप्लीट हो चुका है ट्रैक्स को बिछाने का और ओवरहेड वायरिंग का। और आगे की साइड में आने के बाद में यहाँ पे सारे ट्रैक्स मर्ज हो जाते हैं क्योंकि आगे की साइड में है ये अंडरपास। तो इस साइड में अभी अंडरपास के शेड का काम किया जाएगा। स्ट्रक्चर तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ से आगे की साइड में वापस से ट्रैक्स अलग अलग हो जाते हैं। और आगे की साइड में आने के बाद में ये देख सकते हो यहाँ पे आज दो ट्रेन्स खड़ी हुई हैं। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे चारों ट्रेन्स साथ में खड़ी हुई थी लेकिन आज दो ट्रेनें यहाँ पे खड़ी हुई हैं और दो ट्रेनें शेड के अंदर है। तो इस शेड के अंदर खड़ी हुई हैं बाकी की दो ट्रेन्स। तो डिपो के अंदर इस टाइम चार ट्रेन्स आ चुकी हैं। और ये वाला जो शेड है ये इस डिपो का सबसे बड़ा शेड है।
तो बस करते हैं इस छोटी सी वीडियो को यहीं पे ख़त्म। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।